एगेरिकस का क्या सिम्टम खास हो गया? सर ये एक सिंगल रेमेडी रूब्रिक है एगेरिकस में, एंग्जाइटी ऑन वेकिंग एग्रेवेशन। हाँ तो इसका असर एंग्जाइटी तो जब हम जागते हैं तभी होती है, तो लेकिन इसमें लिखा है कि एंग्जाइटी ऑन वेकिंग एग्रेवेशन, मतलब वेकिंग के बाद एग्रेवेट होती है। तो इसको वेकिंग क्या होती है? वेकिंग होने से क्या होता है हमारे को, आप समझो ना, वेकिंग क्या चीज होती है ऐसे देखना पड़ेगा ना। एक हम स्लीप की स्टेट में है, जब स्लीप की स्टेट में हम होते हैं तो हमको चीजों के बारे में पता नहीं होता। जैसे आप सो रहे हो, आपको मच्छर काट रहा है, कौन पास से निकल गया, दिन है रात है, कुछ चीजें नहीं पता लग रही है आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, मच्छर काट रहा है आपको, कपड़ा उड़ा है नहीं उड़ा, ये चीजें नहीं पता लगती ना, अनअवेयर से होते हैं हम लोग, तो उसमें एंग्जाइटी होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऑन वेकिंग, जब आप जाग जाते हो तो आपको पता लगता है मैं कमरे में सो रहा हूं, बेड पे सो रहा हूं, चार लोग यहां बैठे हैं, अभी कोई बाहर निकल के गया है, तो आपको आसपास के चीजों के बारे में अवेयरनेस आने लगती है, नॉलेज आने लगती है, अवेकन होते ही अपने बारे में भी आने लगती है। समझ आया पॉइंट आपको? तो इसका मतलब जब तक उसको हल्की फुल्की चिंता तो चली हुई है कि जब तक आपको जैसे समझिए उसको कोई एक समस्या है, उसके पेट में हल्का सा दर्द रहता है, तो उसको कुछ मालूम नहीं है कि दर्द क्या चीज है, उसको एक पूरी जानकारी नहीं है, जैसे वो चलाया जा रहा है उसको, क्योंकि उसको समस्या ही नहीं है। तो एंग्जाइटी में हल्का कभी कभी तो लगता है दर्द यार होता है क्या चीज है, लेकिन अब उसको किसी तरीके से ये पता लगता है कि अरे ये दर्द तो यार अल्सर है, यानी एक अवेयरनेस आई, जो नींद में पड़ा हुआ था उसके बारे में अब उसके पास जानकारी आई, तो जो हल्की सी चिंता थी अब अल्सर का नाम सुनते ही तो घबरा रहा है वो, तो वो बड़ा चीज दिख रही है ना अल्सर, जिस चीज को मामूली सा समझ रहा था अब तो बड़ी दिखने लगी है उसको, क्योंकि जाग गया है, अवेयरनेस आ गया उसके बारे में, तो एंग्जाइटी एग्रेवेट हो गई जो ऑलरेडी हल्की हल्की सी चल रही थी ऑन अवेकिंग। तो ऐसे उसके कॉन्टेक्स्ट में लो ना, अब क्या वो चीजें नहीं लेनी है नींद के आठ घंटे सो रहा है वो वाला नहीं, ये तो जागते हुए भी आदमी सोता है ना, लोग दुनिया कहती ना ये सोया पड़ा रहा और एग्जाम की डेट निकल गई, इसने हालात देखे नहीं, तो उसको सोया थोड़ी होता है बंदा, वो तो सारे काम कर रहा होता है, एग्जाम की डेट निकलते ये थोड़ी कि रात से सुबह उठा तो एग्जाम की डेट निकली है, एग्जाम की डेट तो बहुत पहले से डिक्लेयर हुई थी, तो पर इसको तो होश ही कहां है, तो सोया पड़ा रहता है सब कुछ करता ही नहीं है, तो वो अनअवेयर स्टेट में, अनरिएक्टिव स्टेट में, अनरेस्पॉन्सिव स्टेट में जब आदमी होता है तो उसको स्लीपिंग स्टेट अनअवेयर वाले कहते हैं, तो जब उसके बारे में उसका माइंड कॉन्शियस हो जाता है तो फिर वो अवेकन स्टेट में आता है, तो उस कॉन्शियस स्टेट में आते ही एंग्जाइटी बढ़ जाती है, जब तक पूरा ज्ञान नहीं था तब तक शांत रहता है। पॉइंट समझ आया? तो इस तरह से सूक्ष्म सटल फॉर्म में चीजों को हमें लेना है। अब एक इसको केस के हिसाब से हम देखते हैं, मान लो यही रूब्रिक अगर हम लेते हैं इसको समझते हैं, अब एक ऐसे समझिए मेरे पास एक डॉक्टर आ रही है ट्रेनिंग के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसने अपना बीएचएमएस कर लिया है, पास कर लिया है, अब उसकी शादी बॉम्बे से दिल्ली हो जाती है, तो उसका पति कुछ बिजनेसमैन है, वो अच्छा कमाता है, उसकी एक नंद है घर में जो रहती है, सास है, ससुर है, पति है, तो बहुत छोटा परिवार है, अच्छी खासी कमाई है, पर ये जो होम्योपैथ, अब क्या होता है नॉर्मली, अब सास है वही बात अगर उसकी बेटी कहती है, यानी इसकी नंद, तो उसको वो माँ उसको ज्यादा कुछ कहती नहीं है, अगर मान लो ये इसने वो डाल ली जींस डाल ली, तो अब ये उसको कहती है अभी बहू तू जींस क्यों डाली है, तेरे को शर्म नहीं है, अब इसको ये बड़ा हर्ट करता है कि शर्म नहीं है, वो भी तो जींस पहनती है, वो तो मोटी है मैं तो स्लिम हूं, उसको तो जस्ती भी नहीं है, मोटी मोटी जांघें दिखती है, उसको कोई नहीं टोकता, उसको बड़ी कलेश करती है, पति आता है समझाता है, थोड़ा सा मान जाते हैं लेकिन माइंड में रिजेंटमेंट रहता है, कल को पति कहता है यार तूने नमक नहीं डाला ठीक से, यार ये खाना वाना ठीक बनाया करो, अब मैं क्या खाऊं, सुबह से मैं रात से ऑफिस से बोले सारा दिन ऑफिस का आया हूं और ये खाना खाऊंगा मैं, तुम खाना ध्यान से बनाया करो, तो उसने उसको डांटा नहीं, उसको एक थोड़ा सा एक टोका जिसे कहा जाता है, खाना ध्यान से बनाओ तुम लोग, मेरे को क्या खाना बनाना नहीं आता, और ये जो अब वो जो ये इश्यूज है, तो वो घर छोड़ के मायके जाना चाहती है इसको लेके कि मेरी यहां कोई इज्जत नहीं है,
मेरी कोई सुनता नहीं है और इसका कोई समाधान उसको नजर नहीं आ रहा, वो चाह रही है कि जितनी नंद की इज्जत होते मेरी भी हो। तो इस समस्या के लिए कि भाई नंद को जींस पहनने देते हैं, वो इसको टोक देते हैं, मेरे को कह देते हैं नमक सब्जी में क्यों नहीं डाला, तो ये ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए आप पागल हो जाओ, कि जिसके लिए आप डायवोर्स लेने पर तैयार हो जाओ, मायका छोड़ के घर चले जाओ। तो जो भी सुनता है वो यही तो कहता है ये बेवकूफ है क्या, है तो पढ़ी लिखी है तो डॉक्टर, अरे इतनी बात पे, ये कोई मामूली बातें तो हर घर में चलती हैं। तो वो मामूली सी नमक डालने वाली समस्या पे टोकना भी उसको ऐसे लग रहा है कि ये कैसे मेरी इज्जत इस घर में रहेगी, कैसे मैं घर में मैनेज करूंगी, ये तो सब मेरे को कुछ चाहता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना, सब चाहते ही है, ऐसे तो मामूली बात है टोक देना भाई जींस मत डाल साड़ी डाल ले, क्योंकि घर की बेटी बेटी होती है शादी से पहले उसके ऊपर कम रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ससुराल में जाके बच्चे पे ज्यादा होते हैं, तो ये तो बड़ा इंडियन कल्चर है हमारा। तो इसमें ऐसी बड़ी समस्या नहीं थी। तो जब वो मेरे पास आई ट्रेनिंग के लिए, बड़ी दुखी, दुनिया भर की बीमारियां लग गई, ये सब टेंशन लेते लेते छोटी छोटी डिस्प्यूट्स को लेके, जबकि कोई डिस्प्यूट नहीं है, बड़ा अच्छा परिवार है उसका, ऐसे वाला है, खुद भी प्रैक्टिस करने लग गई है ये। तो ये इसने जब कहानी बताई कि भाई मैं तो डाइवोर्स लेके वो अपने घर जा रही हूं, तो उसकी अगेरिकस की एक डोज दी हमने उसको कि भाई ये तो इसको मामूली सी चीज भी ऐसे लग रहा है जैसे कैसे मैनेज करूंगी ससुराल वालों को, मैं कैसे इस घर में रहूंगी, और उसके लिए इतना बड़ा बेवकूफी वाला कदम कि परिवार ही छोड़ के अपना घर चली जाए जबकि शादी को अभी एक ही साल हुआ है। तो ये मूर्खता है, इम्बेसिलिटी है, इडियोटिक एक्शंस है, छोटी सी समस्या उसको बड़ी नजर आ रही है। तो एगेरिकस दी तो अगले दिन ही उसको लगने लगा कोई समस्या ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो जाने वाली कोई बात ही नहीं है, और उसी घर में उसी चीज में बड़ा मस्त हो गया, टोकना टकना तो वैसे ही चल रहा है, उसको याद ही नहीं आता सास ने टोका है इसको, मेरे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। तो ऐसे उस स्टेट के साथ चलना है हमारे को, जरूरी नहीं है कि कोई अल्सर के लिए आएगा, पेट के लिए आएगा, बुखार के लिए आएगा। तो एक मेंटल, ये भी एक डिजीज स्टेट है जो अपने एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है माइनर्स के लिए। तो लेडीज को एक सिखाया जाता है और उनमें क्वालिटी भी होती है कि वो बियर करती है और चीजों को एडजस्ट करने की उनमें बहुत पावर होती है। तो ये इतनी सी छोटी रिएक्शन, इतनी बड़ी पावर बेवकूफ वाली, तो ये इसलिए एंजाइटी ऑन वर्किंग ओवर ग्रे वेट वगैरह, ये नहीं, मतलब एक चीजें बड़ी समस्याएं नजर आ रही है और उस समस्या को मैनेज करने की पावर उसको नहीं दिख रही। नहीं तो सास को टोक सकती है, पति को प्यार से मना सकती है, और भी कुछ कर सकती है। तो मतलब ये ऐसी बड़ी समस्या नहीं थी जिसको मैनेज ना किया जा सके और जिसके लिए डाइवोर्स लिया जाए। तो समझ आया पॉइंट आपको? तो ऐसे स्टेट्स को लेना है। ओके सर।